हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम एक कहानी सुनेंगे। ये बात है 12 दिसंबर 1971 की। समय था 2:02। जगह जामनगर एयरबेस, गुजरात। तो दो MiG-21 FL जो कि बिलोंग करते थे नंबर 47 स्क्वाडन को, वो ORP पे थे, यानी कि ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म। तो ये दोनों एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल किए कॉम्बैट एयर पेट्रोल को सेटअप करने के लिए 10,000 फीट की ऊंचाई पर एयरबेस से। इससे कुछ मिनट पहले ही जो रिमोट ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी सौराष्ट्र सी कोस्ट के पास, उन्होंने रिपोर्ट किया 2 बैंडिट्स को जो कि लो फ्लाई करते हुए जामनगर की डायरेक्शन में बढ़े जा रहे थे। तो ये दोनों फाइटर जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए गए थे। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के F-104 स्टार फाइटर थे। तो इन्होंने अपना काम शुरू करते हुए गन अटैक किया रनवे के पास जो एयरक्राफ्ट खड़े थे उन पर ये जो एयरक्राफ्ट थे ये एक्चुअल एयरक्राफ्ट नहीं थे, ये डिकॉयस थे, धोखा देने के लिए ही रखे गए थे। तो जो सेकेंड F-104 था उसने MiG-21 को आते हुए देख लिया था, तो देखते ही वो नॉर्थ की तरफ बढ़ गया। लेकिन जो लीड F-104 था उसने रनवे को हाई स्पीड पे पास किया, और जैसे ही उसने रनवे को एग्जिट किया तब तक जो दूसरा MiG-21 था उसने नीचे डाइव करते हुए अपनी पोजीशन को F-104 के पीछे लगा दी। लेकिन अपना जो एल्टीट्यूड है उसको F-104 के थोड़ा ऊपर ही रखा ताकि जो एंटी एयर गन है वो कंटिन्यूसली फायर करते रहें F-104 पे। तो ये जो स्टार फाइटर था ये लैंड को क्रॉस करते हुए समुद्र के ऊपर आ गया था और काफ़ी लो लेवल हाई स्पीड फ्लाइंग कर रहा था। तो MiG-21 ने भी अपना एल्टीट्यूड लूज किया और करीबन 100 फीट की ऊंचाई पर स्टार फाइटर के पीछे अपनी पोजिशन को सिक्योर किया। तो उस समय जो स्पीड थी वो करीबन 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, और जो MiG-21 है वो अपने फुल आफ्टर बर्नर पे फ्लाई कर रहा था। तो उस समय MiG-21 में K-13 एयर टू एयर मिसाइल लगती थी। ये शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है और इंफ्रारेड गाइडेड थी। तो इसको फायर किया गया MiG-21 के द्वारा, लेकिन जो स्टार फाइटर था उसने फ्लेयर्स को छोड़ते हुए इस मिसाइल को डिकॉय कर दिया। तो यहाँ पर पहली बार जान जो है वो बच गई। पर किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। जितने भी MiG-21 फ्लाई किए थे उसमें से एक यही MiG-21 था जिसके पास कैनन पॉड था, जहां पर गन जो है वो ग्रजेव शिपनोव की GSS-23 थी जो कि 23 मिलीमीटर के राउंड्स फायर करती थी। तो MiG-21 को पास आता देख स्टार फाइटर के पायलट ने शार्प राइट टर्न लिया। उसे लगा दूसरी मिसाइल फायर होने वाली है, पर अब काफ़ी देर हो चुकी थी। वो करीबन 300 मीटर की दूरी पर था MiG-21 के, जहाँ पर MiG-21 ने अपने GP-9 पॉड से 23 मिलीमीटर कैलिबर के जो राउंड्स थे उनका एक बर्स्ट फायर किया, और गोली लगते ही जो स्टार फाइटर था उसने अपना नियंत्रण खो दिया और एक आग के गोले में तब्दील हो गया। लेकिन जो पायलट है वो इजेक्ट करने में सक्षम था। MiG-21 ने तुरंत ही ऊपर पुल किया और MiG-21 के पायलट ने जो पैराशूट है उसको गल्फ ऑफ कच्छ में गिरते हुए देखा। पर ये जो गल्फ ऑफ कच्छ है ये फेमस है शार्क्स के लिए। तो पायलट ने एक सर्कल लगाया एंगेजमेंट एरिया का और बेस को इन्फॉर्मेशन दी एग्जैक्ट लोकेशन की, ताकि जो रेस्क्यू है वो किया जा सके। जिसके बाद जो पायलट है वो वापस अपने बेस पर आए। ये पायलट थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट भरत भूषण सोनी, और जो स्टार फाइटर के पायलट थे वो थे विंग कमांडर मैरविन मिडलकोट जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के नंबर 9 स्क्वाडन से थे जो कि मसरूर एयरबेस कराची में आता था। साथ ही साथ जो विंग कमांडर मिडलकोट हैं वो एक वेटरन थे 1965 वॉर के। सैडली जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ उसमें विंग कमांडर मिडलकोट का कुछ अता पता नहीं लग पाया। लेकिन करीबन 15 साल बाद स्टार फाइटर के कुछ जो पार्ट्स हैं वो इंडियन नेवी को मिले। तो इसी बात पे ये छोटी सी कहानी ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।